हाय दोस्तों, आप सब लोग जय श्री वंडरलैंड में स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होगा। सब लोगों को मेरे तरफ से राधे राधे। इस फूल को देखो, इधर से मैं आज वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। चलो, हाय दोस्तों, आज मैं लंच बना रही हूँ। लंच से स्टार्ट करना सोच रही है। चलो लंच बनाते हैं। देख नहीं रही है कुकर रखा हुआ है, देख रही है। कुकर में हम पहले डालेंगे ऑयल डाल। और पहले से मैं छोप कर कर रखा है टमाटर, एक तीन चार कलियां कलियां वो गार्लिक कहते हैं, गार्लिक और टमाटर का छोप कर कर रखा है। ऑयल गर्म होने के बाद जीरे डालेगा। जीरे डालने के बाद ये छोप कर कर रखा हुआ टमाटर और गार्लिक डालेगा। फिर मिक्स सब्जी बनाना है इसमें बाल, और फिर आलू केला वालो और ये ब्रिंजर, ये सबको हम मिक्स कर कर कट कर कर रखा हुआ है। मिक्स सब्जी बनाने वाले हैं, बहुत टेस्टी होती है। ऑयल में डाल दिया, ऑयल थोड़े से छाछ डालना है इस सब्जी में तो टेस्ट अच्छे होते हैं। ओके, ऐसे हम लोग है ना लहसुन प्याज वाली सब्जी तो कभी कभी बनाते हैं। आज वालोर है ना, इसलिए मैंने सोचा चलो वालोर लिए और ब्रिंजल लिए तो सब में सब्जी बनाकर और रोटी साथ में रोटी बनाएंगे, चपाती और चावल। चलो गर्म हो गया लाखों में, तो मैंने डाला जीरा। जीरा फ्लेम रखते हैं गैस और हल्दी, पाउडर, चिली पाउडर। चिली पाउडर आपका टेस्ट के ऊपर मांग डालना, मैं तो हम लोग स्पाइसी खाते हैं इसलिए थोड़ी से 2 टीस्पून डाल दिया है। और स्वाद अनुसार नमक, नमक भी डाल दिया। टमाटर और गार्लिक को तो इससे पकने देते हैं मसाला में अच्छी से। किचन में रेसिपी नहीं बता रहे, इस रेसिपी आप लोग ट्राई करके देखना। आलू बंगन और वालोर, वालोर को क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है। और आलू सबको कट कर लेना है और टमाटर और गार्लिक को, गार्लिक का 7-8 कलियाँ लेना है, उसको सोक करना है। नहीं तो मिक्सी में मिक्स करके डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। और फिर हो गया हमारा टमाटर और गार्लिक। फिर इसको डाल सब्जी को डालते हैं वालोर, केला, आलू और बैंगन। आज बारिश जैसा मौसम है, मैंने कपड़ा तो धो लिया है, बच्चे में एक लोग धो गया है, दूसरे लोग मैंने सोचा धो तो अच्छा था, कल तो हम लोग धो रही थी काम के देखते हुए, इसलिए मैंने कपड़ा
वॉश कर लिया था, डबल हो गया। मैं मुझे पहले से बोला करता वो होगा, उस लोगों को पता है मैं जिस तरह से कपड़ा वॉश नहीं करती थी। और पानी डालना है, तीन चार विसल डालना। अभी हम चावल बनाने का प्रोसेस मैं अपने जगह में रख देती हूँ, जिसे से ना और अभी चावल बनाए। चावल वैष्णवी तो स्कूल गया है, वैष्णवी को लंच लेकर गया है, उसका तो लंच में मैंने बनाया था रोटी और एक सब्जी, फिर कट दी और अचार। कितना डाला एक और इसको मैश कर देते हैं। चपाती बनाने के लिए आटा का गूंद कर रखी है पहले से, छुपी है वैष्णवी का लंच बॉक्स बनाते हैं ना, तो बारिश है, बारिश आने वाले हैं, कपड़ा बाहर सूखेगा ना कि अंदर ही सूखाना पड़ेगा। साथ में जाएगा फिर बनाने रोटी तक हम लोग खाएंगे। करेला का छोटी सा बूंदी बना देते हैं, सबको पसंद है जो करेला, पसंद है पता ना, छोटी सा नहीं एक ही है, मैं और आरती का एक उसके ऐसे ऑयल में हल्दी और नमक डाल कर बना, मुझे पसंद है करेला, ऐसे भी स्वस्थ के लिए अच्छा है करेला खाना चाहिए।
सोया लड़का, इसको भी फटा दे। लाइट चले गया। इंस्टेंट करेला फ्राई ना हो तो हम लोग करेला इतना सारा बाजार से लेकर आना, ये सब सीरियस में अभी अभी होते हैं, डाल कर थोड़ी सी देर रख देना, फिर उसको इससे निचोड़ कर पानी सब कुछ निकाल देना और फिर धूप में सुखा कर अच्छी से पपड़ जैसा सुखा कर उसको ढक्कन ऊपर कर रखना और बारिश जल्दी से आते में ऐसे करते हैं। इस टाइम तो इंस्टेंट में करना हो तो तुम तो ऑयल में करेला कटे कर कर डाल देना और अली ऑयल में डाल कर तो उसे ऐसा मिक्स कर लेने ओके हरी मिर्च फ्राई जिसको करेला पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये इधर खाई होते रहे ना, इधर चावल हो रहे हैं, इधर हमारे सब्जी भी मुझे चपाती बनाने हैं, चपाती का जो बना कर रखा होगा ना उसको मैं लेकर आती हूँ। भाई को हम ये बड़े वीडियो बना भी ले रहे हैं ना मैं आप देख के सच में बात कर रहे हो उसको लंच रेडी हो चुका है। लंच में है रोटी, मिक्स सब्जी, ओनियन और करेले और बटर मिल्क और गाठिया और इसमें गार्लिक था, इसीलिए हमने भगवान के भोग में ये नहीं दिया, उसमें हमने दिया चीनी, चावल, करेला का भुर्जी और रोटी, गाठिया और बटर दिया। और इधर मीठू खा रहा है गाठिया। हाय गाइस, तो अभी अभी लाइट आई हुई है और पापा बैठे, हम लोग सब इधर बैठे थे। हाय मम्मी, हाय वैष्णवी, अभी लाइट मूड नहीं थी, हम लोग मूड नहीं, लाइट कब से गया, दोपहर का 2 बजे से लाइट गया, अभी आया, अभी आया। और अभी हम लोग सोच रहे हैं डिनर में क्या पहनाने हैं, मेरी कई मेहरबानी करे तो बाहर से लेकर आए हैं। वैष्णवी कह रही है पिज्जा, ताज की पार्टी वैष्णवी की तरफ से। वैष्णवी कह रहे हैं मैं सबको पिज्जा खिलाऊं।
वैष्णवी ने पार्टी का नाम शामिल होते है, पार्टी का नाम अपना खर्चा शामिल होगा, खर्चा नहीं देगा। हाँ खर्चा मैं ही देता हूँ, मैं और पापा वैसे मम्मी, ये इसकी देने के बारे आते हैं तभी वो सो जाते। उसको खाना है लेना है तो पैसा निकलेगा पर्स में सर, पर्स में नहीं। पापा शाम को 5 बजे मार्केट गए थे तब ये सब कुछ लेके आए, तो आपको बारी बारी। पापा शाम को गए थे तब ये सब लेके आए थे इवनिंग स्नैक्स, ये है कुरकुरे 10 रुपये के कुल टूर टूर, ये है चक्री दोनों, ये बाखरवड़ी, ये मूंगफली, गुजरात का शान और मान, शान और ये तो ऑल इंडिया मिलता है, ऑल इंडिया है मिलता है, पर ये महाराष्ट्र की शान है, माँ गुजरात की शान और मान तो खाखरा है, खाखरा और ढोकला, खाखरा और ढोकला दिल कैसा होता है, नरम खाखरे के जैसा। और ये झिमझम बिस्किट, ये मसाला पूरी, ये फिर से चक्री है, ये राइस चक्री है किस कंपनी, स्तुति कंपनी की, और ये है केरला गोल्डन चिप्स बनाना चिप्स, और गुड्डे बिस्किट, मेडमिक्स साबु, मेडमिक सोप है ना, ये नाने के लिए, खाने के लिए नहीं है, नाने के लिए, और ये जीरा है, जेबी कंपनी का, हाँ जेबी कंपनी का 1 किलो पैकेट है, जीरा नहीं हीरा है। और मम्मी से पूछते हैं आपको इसमें से कौन सा पसंद है, तो वो मेरा, आपको कौन सा पसंद है, मुझे वो तो वो भी मेरा, सोच रहे हॉस्टल में, और ये भी मेरा, या तो ये पन मारा, आपको क्या पसंद है, मुझे वो बाखर वाले पसंद नहीं है, हाँ तो वो भी मेरा, जो आपको पसंद नहीं है वो भी मेरा पसंद है, वो भी मेरा मैंने सोचा नहीं करे मुझे क्या पसंद है ये सब भी बताऊं, जीरा कुरकुरे नया आया हो, नया नहीं है जूना है, ओल्ड है, ओल्ड ऑल इंडिया का है कुरकुरे 10 रुपये के तुरतुरे इंस्टाग्राम में वायरल, और इसमें एक ऑफर चल रही है, ये खरीदेंगे फिर पैकेट के पीछे जो आता है तो उसमें से कुछ ऐसे है एयरटेल का 1 GB फ्री डेटा मिलता है, अफसोस मैं जियो का सिम वा यूज़ करता हूँ तो ये मेरे के मेरे लिए नहीं है, इधर कुछ स्टेप दिए है एयरटेल के वो वाले कूपन वाले 1 GB डेटा वाले, ये 2 GB डेटा मिलेंगे, हाँ तो आप हमारे पास तो नहीं है ना सिम, बोलो मैं डिंग 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 किस किस के मुँह में पानी आया।